अभी तक हमने ये देखा था कि अगर हमें एक नंबर लाइन पे किसी भी पॉइंट को प्लॉट करना हो, जैसे कि मान लीजिए अगर मैं इस पॉइंट की यहाँ पे बात करूँ, इस पॉइंट की, तो इसे हम कैसे शो करते थे? तो ये पॉइंट जो है वो 0 से 2 यूनिट्स राइट की तरफ है। अब इस केस में ना ही हमें ऊपर जाना है ना ही नीचे जाना है, सिर्फ हमें एक ही डायरेक्शन में ट्रैवल करना है। तो यहाँ पे सिर्फ हम अगर लिख दें 2, तो इससे हमें पता चल जाएगा कि इस नंबर लाइन पे हम किस पॉइंट की बात कर रहे हैं। 2 का मतलब हुआ 0 से 2 यूनिट्स राइट की तरफ। उसी तरीके से 3 का मतलब हुआ 0 से 3 यूनिट्स राइट की तरफ। अब अगर यहाँ पे कोई नेगेटिव वैल्यू होती तो हम उतने यूनिट्स 0 के लेफ्ट की तरफ बढ़ जाते। तो यहाँ हम सिर्फ एक नंबर से ही काम चला लेते थे, क्योंकि सिर्फ यहाँ पे जो मूवमेंट होती थी वो एक ही डायरेक्शन में होती थी। अब चलिए हम अगले स्टेप पे जाते हैं। अब मान लीजिए हमें इस प्लेन पे, इस 2 डायमेंशनल प्लेन पे किसी भी पॉइंट को प्लॉट करना है, तो वो हम कैसे करेंगे? तो कभी भी हम किसी भी प्लेन पे अगर किसी पॉइंट को प्लॉट करते हैं तो उसे हमें 2 नंबर्स से शो करना होता है। और ऐसा क्यों, उसके बारे में भी अभी हम बात करेंगे, लेकिन पहले यहाँ एक एग्जांपल देख लेते हैं कि अगर हमें 2 नंबर्स दिए हुए हों तो उसे हम कैसे इस प्लेन के किसी भी पॉइंट के साथ हम एसोसिएट कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए हम यहाँ ले लेते हैं कुछ 3.5, 3.5, और इससे हमें इस प्लेन पे प्लॉट करना है। हमें बताना है कि ये जो दोनों नंबर्स हैं वो इस प्लेन पे किस पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो वो करने से पहले पहले हम यहाँ ये देख लेते हैं कि जो हमारा नॉमेनक्लेचर है, जो हम टर्मिनोलॉजीज यहाँ पे फॉलो करेंगे, वो क्या क्या है। अब यहाँ पे आपको 2 लाइन्स दिख रहे होंगे, एक है हमारा ये हॉरिजॉन्टल लाइन और ये है हमारा वर्टिकल लाइन। इस हॉरिजॉन्टल लाइन को, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन आपको जो दिख रही है, जो कि यहाँ पे जो 0 हो जाएगा, ये पॉइंट 0 से शुरू होगी, 1, 2, 3, 4, मतलब ये तो एक नंबर लाइन जैसे ही हो गई, इधर पॉजिटिव वैल्यूज और इस 0 के इधर नेगेटिव वैल्यूज आ जाएंगे। तो इस हॉरिजॉन्टल लाइन को हम लोग एक्स एक्सिस कह देते हैं, बस नाम दे देते हैं। अब आप जैसे चाहे तो कुछ भी बोल सकते थे, राम श्याम घनश्याम कुछ भी बोल सकते थे, लेकिन मैथ में हम एक चीज फॉलो करने के लिए इस हॉरिजॉन्टल लाइन को हमने इसे एक्स एक्सिस बोल दिया। ठीक इसके परपेंडिकुलर ये जो वर्टिकल लाइन आपको दिख रही है, जो कि ऐसा आप इसको समझ सकते हैं कि एक सीधी एक वर्टिकल नंबर लाइन खड़ी है, जहां पे ये 0 है, ये जो पॉइंट यहाँ पे हो जाएगा ये हो जाएगा 0 0। अलग अलग 0 मैं इसलिए शो कर रहा हूँ, वो उसका सिग्निफिकेंस मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूँ, लेकिन जैसे कि आप इस वर्टिकल नंबर लाइन को इमेजिन कर सकते हैं, ये है 0, 1, 2, 3, 4, सारे पॉजिटिव वैल्यूज ऊपर की तरफ और ठीक इसके नीचे सारे नेगेटिव वैल्यूज आ जाएंगे। तो इस वर्टिकल लाइन को हम तो कह देते हैं वाई एक्सिस। तो ये हो गई हमारी वाई एक्सिस, ये हो गई हमारी एक्स एक्सिस। तो कभी भी हम इस प्लेन पे अगर किसी भी पॉइंट को प्लॉट करेंगे तो उसका रेफरेंस हम हमेशा एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों की दूरी से देंगे। अब मैं क्या कह रहा हूँ, आइए इस बात को समझते हैं। जैसे कि ये पॉइंट हमने यहाँ पे लिया 3.5, तो इस 3.5 पे ये जो पहला नंबर हमें यहाँ पे दिख रहा है 3, ये हमें एक्स कोऑर्डिनेट के बारे में बताएगा। ये जो दोनों पॉइंट्स हैं ये हमारे कोऑर्डिनेट्स हो गए, ये हमारे कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे। इसको मैं सेम कलर में लिख देता हूँ, कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे ये कोऑर्डिनेट्स। और अगर थोड़ा स्पेसिफिक हो तो ये 3 हमारा एक्स कोऑर्डिनेट हो जाएगा और ये जो 5 है ये हमारा वाई कोऑर्डिनेट हो जाएगा। अब इसका मतलब समझते हैं कि ये एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट आके है क्या। लेकिन इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा कि इस प्लेन पे हम आगे पीछे बढ़ने के साथ साथ ऊपर नीचे भी बढ़ सकते हैं। तो अगर हम यहाँ पे इस 3 की बात करें तो इसका मतलब हुआ कि इस हॉरिजॉन्टल लाइन के अलोंग, इस एक्स एक्सिस के अलोंग वो कौन कौन से पॉइंट्स होंगे जो कि इस 0 से 3 यूनिट्स की हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस पे होंगे। जैसे कि ये है 0, 1, 2, 3, तो ये पॉइंट तो एक मेरा हो ही जाएगा जो कि इस 0 से 3 यूनिट्स हॉरिजॉन्टल पे है। लेकिन एक्चुअली अगर मैं इस यहाँ पे इस लाइन के अलावा कोई भी पॉइंट ले लूं, जैसे कि मान लीजिए मैं एक पॉइंट यहाँ ले लेता हूँ, इस पॉइंट की भी जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होगी इस 0 पॉइंट से, वो तो हमारी 3 यूनिट्स ही है। उसी तरीके से मान लीजिए मैं यहाँ कोई पॉइंट ले लूँ या फिर यहाँ कोई पॉइंट ले लूँ, इन सारे पॉइंट्स की जो दूरी होगी, जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होगा इस 0 पॉइंट से,
वो 3 यूनिट्स ही है, यानी अगर मैं यहाँ पे एक ऐसा लाइन खींच देता हूँ, एक वर्टिकल लाइन, और इस वर्टिकल लाइन पे भी मैं कोई भी पॉइंट ले लूंगा, तो इन सारे पॉइंट्स की जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होगी 0 पॉइंट से, वो 3 यूनिट्स ही होगी। तो ये हमारा इस एक्स कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि डिस्टेंस अलोंग एक्स एक्सिस, इसे हम बोल सकते हैं डिस्टेंस, डिस्टेंस अलोंग अलोंग एक्स एक्सिस, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अब 5 भी है, तो ये 5 हमारा वाई कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कि इसका मतलब हुआ कि वो कौन कौन सी पॉइंट होगी जो कि इस 0 से 5 यूनिट्स के वर्टिकल डिस्टेंस पे होगी। अब यहाँ पे है 0, 1 2 3 4 5, 5 आ गया यहाँ पे, 5 आ गया यहाँ पे, यानी कि ये जो पॉइंट होगा इसकी जो वर्टिकल डिस्टेंस होगी इस 0 से, वो 5 यूनिट्स पे भी है। और मान लीजिए कि मैं यहाँ पे इस लाइन के अलॉन्ग कोई भी पॉइंट ले लूँ, जैसे कि यहाँ पे अगर मैं कोई पॉइंट ले लेता हूँ, अब इस पॉइंट की भी जो वर्टिकल डिस्टेंस होगी 0 से, वो भी तो 5 यूनिट्स ही है, 1 2 3 4 5। या फिर मान लीजिए मैं कोई पॉइंट यहाँ पे ले लूँ, तो इसकी भी जो इस 0 से वर्टिकल डिस्टेंस होगी 1 2 3 4 5 यूनिट्स है। यानी कि बेसिकली अगर मैं इस लाइन के अलॉन्ग कोई भी पॉइंट ले लूं, तो उसकी वर्टिकल डिस्टेंस हमेशा 5 यूनिट्स ही होगी इस 0 पॉइंट से। तो इन सारी पॉइंट्स का जो वाई कोऑर्डिनेट होगा वो 5 के बराबर हो जाएगा। लेकिन हमने यहाँ पे एक ऐसा पॉइंट लिखा है जिसकी एक्स कोऑर्डिनेट यानी कि डिस्टेंस अलोंग एक्स एक्सिस वो 3 यूनिट्स हो, और 5 यानी कि जिसकी डिस्टेंस अलोंग वाई एक्सिस यानी कि जिसका वाई कोऑर्डिनेट 5 यूनिट्स हो। अब इन दोनों लाइंस का इंटरसेक्शन एक ही पॉइंट हमें यहाँ पे दिख रहा है, वो है ये वाला पॉइंट। अगर हम इस पॉइंट की बात करेंगे तो इस पॉइंट की जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है इस 0 से, वो है 1 2 3 यूनिट्स के बराबर, ये है 3 यूनिट्स के बराबर। और इस पॉइंट की जो वर्टिकल डिस्टेंस है इस 0 से, 1 1 2 3 4 और 5, वो 5 यूनिट्स है। तो ये जो हमारा पॉइंट होगा ये 3,5 इस दिए हुए कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट करेगा। और अब तक हमने इसे 0.0 पॉइंट बोल रहे थे, लेकिन मैथ की भाषा में हम इसे ओरिजिन बोल देते हैं। ये जो है हमारा 0 पॉइंट, ये हमारा ओरिजिन कहलाता है, यहां से ही हर चीज की शुरुआत हो रही है, और ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट रेफरेंस पॉइंट का काम कर रहा है। और अगर मैं आपसे ये पूछूं कि इस ओरिजिन का लोकेशन कैसे पता करेंगे, इसके कोऑर्डिनेट कैसे पता करेंगे, तो इस पॉइंट की दूरी एक्स एक्सिस के अलोंग 0 से तो 0 यूनिट्स ही है, और इस पॉइंट की दूरी वाई एक्सिस के अलोंग भी 0 से 0 यूनिट्स पे ही है, यानी कि इस ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 0,0 के बराबर। और आई थिंक अब आपको एक आइडिया मिल रहा होगा कि इस प्लेन पे अगर हमें किसी भी पॉइंट को प्लॉट करना है तो क्यों हमें दो वैल्यूज की जरूरत पड़ती है। अगर हम यहाँ पे सिर्फ 3 ले लेते तो वो इन सारे पॉइंट्स को रिप्रेजेंट करता जो कि इस ओरिजिन से 3 यूनिट्स की हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस पे है, तो हमें एक फिक्स्ड पॉइंट नहीं मिलता। उसी तरीके से अगर हम सिर्फ 5 लेते तो उसका मतलब होता कि इस ओरिजिन से वो सारे पॉइंट्स जो कि 5 यूनिट्स के वर्टिकल डिस्टेंस पे है, यानी कि ये सारे पॉइंट्स। लेकिन जब हमने इन दोनों वैल्यूज की साथ में बात की तो इसका मतलब हुआ कि हमें सिर्फ एक ही पॉइंट मिल पाएगा जो कि इस ओरिजिन से 3 यूनिट्स की हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस पे है और 5 यूनिट्स के वर्टिकल डिस्टेंस पे है, यानी कि इन दोनों लाइंस का इंटरसेक्शन जो कि एक फिक्स्ड पॉइंट को ही रिप्रेजेंट करेगा। उसी तरीके से चलिए मान लीजिए हम एक दूसरा कोऑर्डिनेट ले लेते हैं, कुछ 2,4, इसको रिप्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं। तो 2 हमारा पहले तो यहाँ पे ये हो गया एक्स कोऑर्डिनेट, एक्स कोऑर्डिनेट, और ये जो 4 है ये 4 हमारा हो जाएगा वाई कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट। और इस बात का ध्यान रखिए कि पहला वैल्यू हमेशा एक्स कोऑर्डिनेट ही होता है और दूसरा वैल्यू हमेशा वाई कोऑर्डिनेट ही होता है। तो इस 2 का मतलब हुआ ओरिजिन से एक्स एक्सिस के अलोंग 2 यूनिट्स पे सारे पॉइंट्स, यानी कि यहां से हम पहले आगे बढ़ेंगे 1 यूनिट, 2 यूनिट्स, तो ये पॉइंट हमें मिला। अब यहां से अगर हम यहाँ पे एक लाइन खींच दें ऐसा कुछ, ऐसा कुछ, एक्चुअली इसको हम चलिए सेम कलर से रिप्रेजेंट करते हैं। ये सारी पॉइंट्स अगर हम यहाँ पे प्लॉट कर देंगे तो इन सारी पॉइंट्स, इस लाइन पे जितनी भी पॉइंट्स लाई करेंगे, यहाँ पे हो चाहे यहाँ पे हो, इन सारे पॉइंट्स की जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होगा इस ओरिजिन से, इस एक्स एक्सिस के अलॉन्ग जो डिस्टेंस होगा वो हमेशा 2 यूनिट्स ही होगा, 1 2।
लेकिन अब यहाँ पे है 4b जो कि इस y कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कि वर्टिकल लाइन के अलोंग, इस y एक्सिस के अलोंग वो सारे पॉइंट्स जिसका ओरिजिन से वर्टिकल डिस्टेंस 4 यूनिट्स है, यानी कि 1 2 3 4, यानी कि ये सारे पॉइंट्स यहाँ पे इस लाइन पे, आप कोई भी पॉइंट ले लीजिए यहाँ पे, कोई भी पॉइंट, उन सब का जो इस ओरिजिन से दूरी होगा वो हमेशा 4 यूनिट्स का ही है। लेकिन अब अगर हम इन दोनों को साथ में बात करें, इन दोनों की 2,4, तो वो इन दोनों लाइंस का इंटरसेक्शन यानी कि इस वाली पॉइंट को ये रिप्रेजेंट करेगा 2,4। इस पॉइंट की जो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग डिस्टेंस होगी वो हो जाएगी 2 यूनिट्स, जो कि इस 2 को रिप्रेजेंट कर रहा है, और इस पॉइंट की वाई एक्सिस के अलॉन्ग जो डिस्टेंस हो जाएगी 1 2 3 4, वो इस 4 को रिप्रेजेंट करेगी, और जिस वजह से इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 2,4। उसी तरीके से मान लीजिए अगर हम यहाँ पे कोई दूसरा पॉइंट ले लेते हैं, जैसे कि मान लीजिए ये पॉइंट ले लेते हैं, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स अगर हमें पता करने हैं तो वो कैसे पता करेंगे? तो पहले देखते हैं कि इस पॉइंट का हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ओरिजिन से कितना है, यानी कि एक्स एक्सिस के अलॉन्ग इस पॉइंट की डिस्टेंस कितनी है। तो 1, तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 यूनिट्स, तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट हो जाएगा 4, और इस पॉइंट का वाई एक्सिस के अलोंग दूरी कितनी है ओरिजिन से, तो 1 यूनिट से ऊपर की तरफ है, तो 4,1। लेकिन ध्यान रहे 4,1 और 1,4 में बहुत फर्क होगा, दोनों सेम नहीं है। अगर हम 1,4 की बात करें तो ये क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि एक्स एक्सिस के अलोंग 1 यूनिट की दूरी, यानी कि कुछ इस तरीके से इन सारे पॉइंट्स को हम बोल देंगे जिनका दूरी एक्स एक्सिस के अलोंग 1 यूनिट पे है, और 4 का मतलब हुआ कि वर्टिकल डायरेक्शन में 4 यूनिट्स की दूरी वाई एक्सिस के अलोंग ओरिजिन से, तो 1 2 3 4, यानी कि ये सारे पॉइंट्स, अब इनका इंटरसेक्शन क्या है, ये वाला पॉइंट, तो ये वाला जो पॉइंट है ये 1,4 को रिप्रेजेंट करेगा। तो ध्यान रहे ये है 4,1 और ये है 1,4। तो आई थिंक अब आपको एक आइडिया लग गया होगा कि अगर हमें एक कोऑर्डिनेट दिया हो और उसे हमें इस प्लेन पे प्लॉट करना हो तो वो हम कैसे करेंगे।